ऐसा लगता है कि हमारी सरकार की सारी ताकत, सारा फोकस G20 पर है। आप सब जानते हैं G20 क्या है, एक साल के लिए टर्न बाय टर्न बारी बारी से जो भी मेंबर हैं उसके अध्यक्ष बनते हैं। कोई एक हमारा कोई उपलब्धि तो है नहीं, तो आप 15 अगस्त को साइडलाइन एक तरीके से करके या उसको नज़रअंदाज करके या उसमें कोई इंटरेस्ट जैसे नहीं रह गया है किसी का और सारी चीज़ें G20 के लिए की जाएं, ये भी उचित नहीं लगती। आप करिए उसको, आपके मेहमान देश आएंगे उनका स्वागत कीजिए, जितना कर सकते हो करिए, लेकिन 15 अगस्त तो नंबर एक पर रहना ही चाहिए सबके मन में। वैसा अब लग नहीं रहा है, प्रधानमंत्री तो ऐसे ही चलता है तिरंगा, वो तो सब आदमी चलाते हैं, ऐसा कौन सा, चाहे किसी पार्टी का हो, चाहे वो विपक्षी पार्टी हो चाहे सत्ता पार्टी हो, तिरंगा तो लगाते ही, हर घर पर तिरंगा फहराते हैं, हर जगह लोग 15 अगस्त को तिरंगा फहराएंगे, जाने कब से फहरा रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं। देखिए, जब जनता ने एक बार नहीं दिल्ली में कई बार आपको भारी बहुमत से जिताया है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों को लगभग शून्य पर पहुंचा दिया, तो लोगों के मन में तो यही है कि बिल लाकर ये लोग जनता की जो आकांक्षा है उसके बिल्कुल विपरीत काम कर रहे हैं। जब जनता ने उनको भेजा है तो उनको शासन करने दीजिए। लोकतंत्र की यही खूबसूरती होती है कि जो जनता ने चुन के भेजा है वो राज्य करे। हिंदुस्तान में मोदी जी कर रहे राज कि नहीं कर रहे, कौन हस्तक्षेप कर रहा है, वो है जनता की आकांक्षा है, जनता की इच्छा है, पब्लिक बिल है ये कि वो शासन करें, वो कर रहे हैं। तो दिल्ली की जनता ने छोटे से उसमें जो फ्रेमवर्क है उसके अंतर्गत अगर केजरीवाल जी को शासन करने का मौका दिया है, वो भी इतना स्पष्ट जितना स्वयं केंद्र सरकार को नहीं, इससे ज़्यादा, फिर भी प्रॉक्सी से अपनी सरकार चलाएं, ये किसी के गले से नीचे उतरती नहीं। बीजेपी के भी ज़्यादा तो लोग मानते हैं कि गलत है, लेकिन कह नहीं सकते। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।